बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस पर बात करने वाले हैं आज। और हमारा एक जो टॉपिक जिसको हम स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरनमेंट। कि एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बाउंड्री की बात करें कि वो कहाँ तक ऑपरेट हो रही है, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इसकी बाउंड्रीज होंगी जहाँ पे इसको इम्पैक्ट हो सकती है, और इन्वायरमेंट जहाँ पे भी आप रहते हैं तो आपका इन्वायरमेंट आप पे इफ़ेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट से मुराद कई सारी चीज़ें होती हैं, लोग उसमें होते हैं, जहाँ पे आपकी सर्वाइवल होती है, लेन देन होता है, मौसमियात उसमें होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट होता है जिस कल्चर में आप सर्वाइव कर रहे होते हैं, आप रह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें हमने बेसिकली कवर करनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन जब ऑपरेट हो रही होती है तो उसको किन किन चीज़ों का कहाँ कहाँ पे उसको फेस करना पड़ता है। तो टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग सा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होंगी, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप और कंसेप्चुअली बात करें, जिनका कंसेप्ट होना आपको लाजमी है, ज़रूरी है। तो ऑल बिजनेस रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज, लोकेशन और मिशन ऑपरेट विद इन ए लार्ज एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किसी भी नौयत की ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस सेटअप हो, तो उसने सर्वाइव करना होता है, एक उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जिसमें उसके कस्टमर, उसके सप्लायर, उसके गवर्नमेंट एजेंसीज, बैंक्स वगैरह उसको उनके साथ लिंक होता है, उनके साथ लेन देन होता है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। कुछ हद तक हमने पहले इसके बारे में बात भी की थी जब हम स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे। एवरीथिंग आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री दैट माइट अफेक्ट इट, वो क्या होगा इसका, जो इसकी बाउंड्रीज के बाहर का जितने भी फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर सकते हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज क्या हैं? दैट विच सेपरेट्स द ऑर्गेनाइजेशन फ्राम इट्स एनवायरनमेंट, यानी कि जो ये बाउंड्रीज हैं ये यहाँ पे इम्पैक्ट, और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं इनसे इनको अलग करने वाली जो हदूद हैं वो इसको बाउंड्रीज कहते हैं। टुडे बाउंड्रीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू पिन डाउन। इनको हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये हमारी बाउंड्री है इसके बारे में, मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता इतनी हद तक सरायत कर जाती हैं कि आप इनको पिन पॉइंट भी नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पे मल्टीपल इन्वायरमेंट्स इंक्लूड इन इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकती है उसमें, कि इकोनॉमी किस तरीके से मूव कर रही है कंट्री की, टेक्नोलॉजी किस लिहाज से चल रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, लीगली उसको कौन कौन सी जो है वो मुश्किलात हो सकती हैं, सोसाइटी के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, और ओवरऑल ग्लोबली क्या इन्वायरमेंट चल रहा है। अगर जो लोकल इन्वायरमेंट है कंट्री का, नेशनल लेवल का इन्वायरमेंट चेंज है और ग्लोबल इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो क्या इम्पैक्ट होता है उस पर, इशूज़ ऑफ इथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सोसाइटी के अंदर इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके इखलाकी तौर पर क्या फ़राइज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के जो उसको पूरे करने पड़ते हैं, कहीं उसके सराउंडिंग में रहने वाले और उस लोग उससे जो है वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहे, उनकी ज़िंदगियों पर मनफी असरात तो नहीं मुरतब हो रहा है। इसके अलावा द बिज़नेस इन्वायरमेंट इटसेल्फ एंड न्यूमरस अदर इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, वो सारी की सारी हैं जो कि मल्टीपल इन्वायरमेंट्स फैक्टर डिवेलप करते हैं और इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बनाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो वन बाई वन हम बात करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे। द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर बात करें तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से एग्रीगेट आउटपुट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिसमें हम एग्रीगेट आउटपुट का मतलब है कि ओवरऑल कितनी इस ऑर्गेनाइजेशन के आउटपुट में कंट्रीब्यूशन है, और इसके अलावा उस कंट्री की कितनी ओवरऑल एग्रीगेट उस सेक्टर में जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट हो रही है उसकी कितनी आउटपुट है, और ओवरऑल जो कंट्री का है आउटपुट वो कितना चल रहा है, तो ओवरऑल आउटपुट में इस सेक्टर का कितना परसेंटेज हिस्सा है, और ओवरऑल ये जितनी भी आउटपुट एग्रीगेट हो रही है
इसका लिविंग स्टैंडर्ड जो लोगों की ज़िंदगी है उस पर, यानी कि जो पर कैपिटा इनकम है उस लिहाज से किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, कुछ कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली ट्रेंड है या नेगेटिवली है। बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन इन द इकोनॉमी। कोई भी चीज़ होती है तो उसका इस तरीके से साइकिल होता है, स्टार्ट होता है, बूम आता है और एंड होता है। तो बिजनेस साइकिल में इसकी कहाँ पे प्लेसिंग कर रही है और किस लेवल पे ऑपरेट हो रही है, कौन सा टाइम इस पे चल रहा है बिजनेस के किसी भी सेक्टर में। इसके अलावा एग्रीगेट आउटपुट की बात करें, टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन बाई एन इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। एक साल के अंदर जितनी भी आउटपुट सारे फैक्टर्स ने, सारे सेक्टर्स ने, सारे जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कंट्री के जो है वो ओवरऑल इकोनॉमी में, तो उसको हम कहते हैं एग्रीगेट आउटपुट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है कि लोगों की मुश्किलात कितनी कम हो रही हैं उस मुल्क के अंदर। एग्रीगेट अगर बढ़ रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह सरप्लस है, यानी कि आउटपुट ज़्यादा है और आपको पे कम करना पड़ता है, तो लोगों के ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज बढ़ते जाएंगे और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंट्री सिटीजन्स कैन परचेज विद द करेंसी यूज्ड इन देयर इकोनॉमिक सिस्टम, तो उसको पर कैपिटा कहते हैं। कि ओवरऑल प्रोडक्शन पर कैपिटा, यानी कि एक फ़र्द की आमदनी पूरे मुल्क की आमदनी के लिहाज से कितनी बनती है, यानी कि पूरे मुल्क की आमदनी जितनी भी है उसको टोटल पॉपुलेशन पर डिवाइड करें तो आपके पास पर कैपिटा इनकम आती है। अगर वो अच्छी है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से लोगों की जो पावर है, परचेजिंग पावर, वो बढ़ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है। इसके बाद है जीडीपी। जीडीपी से क्या मुराद है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक का मतलब है कि डोमेस्टिक लेवल पे एक कंट्री को बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड बाय नेशनल इकोनॉमी थ्रू डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ कंट्री के अंदर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये सारे मिल के कितना आउटपुट दे रहे हैं उसको जीडीपी कहते हैं। और जीएनपी की बात करें तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाई ए नेशनल इकोनॉमी विद इन गिवन पीरियड रिगार्डलेस ऑफ वेयर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लोकेटेड। इसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो लैंड, लेबर कैपिटल जितने भी हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी हो सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोग जो बाहर सर्विसेज कर रहे हैं उसको भी जीएनपी में इंक्लूड किया जाएगा। जब जीडीपी की बात करेंगे तो जो पाकिस्तान के एरिया के अंदर काम सारे के सारे हो रहे हैं उन उसको हम कहेंगे जीडीपी। तो ये डोमेस्टिक और नेशनल आपने ये याद रखना है कि नेशनल का मतलब है कि जो भी जहाँ रहता है वो अगर नेशनैलिटी पाकिस्तान की रखता है उसको शामिल किया जाएगा। तो डोमेस्टिक की बात की जाए तो विद इन पाकिस्तान के जो जियोग्राफिकली डेमोग्राफिकली जो पाकिस्तान की जो हदूद हैं उसके अंदर सारी की सारी प्रोडक्शन और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा। नंबर वन है रियल ग्रोथ रेट क्या है। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड चेंजेज इन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज करेंसी। करेंसी को जो है वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद जो आपकी रियल ग्रोथ रेट होता है, यानी कि उसमें इन्फ्लेशन वगैरह माइनस करने के बाद रियल कितनी ग्रो हो रही है। इसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी पर पर्सन एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे मैंने आपको कहा कि मुल्क की जितनी ओवरऑल आउटपुट होता है डिवाइडेड उसकी टोटल पॉपुलेशन, तो उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। थर्ड नंबर पर रियल जीडीपी कौन सा है। जीडीपी कैलकुलेटेड टू अकाउंट फॉर चेंजेस इन करेंसी वैल्यूज एंड प्राइस चेंजेस वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी मेजर्ड इन करंट डॉलर्स और विद ऑल कंपोनेंट्स वैल्यूड एट करंट प्राइसेस। जिनको करंट वैल्यूज पे हम डिटरमिन करते हैं, डॉलर की भी करंट वैल्यू लेते हैं और उनको इन्फ्लेशन वगैरह या करेंसी डीवैल्यूएट हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है, उसके हिसाब से एडजस्ट करने के बाद जो है वो ये रियल हमारी जीडीपी होती है। इसके बाद है परचेजिंग पावर पैरिटी principle that exchange rates are set so that the prices of similar products in different countries are about the same। कि इस हिसाब से देखा जाए कि country to country जो है वो जो करेंसी है उसकी exchange rate हम देखते हैं कि कितना exchange rate पाकिस्तान के डॉलर की, पाकिस्तान में डॉलर का क्या रेट है, दूसरे कंट्री में डॉलर का रेट है। और ओवरऑल हम देखते हैं कि अगर फर्ज किया इंडिया में हम देखते हैं कि एक मोटरसाइकिल CD70 या 15 की बात कर लें तो उसकी कितनी कीमत है, लेट्स सपोज वो है 60,000। हम पाकिस्तान में देखते हैं तो 110,000 15 की प्राइस। तो फिर हमें देखना होगा कि डॉलर के हिसाब से
कितनी वैल्यू बनती है, पाकिस्तान के पाकिस्तान में डॉलर की क्या वैल्यू है, इंडिया में क्या है, और ओवरऑल जो है एडजस्ट हम करने के बाद हम देखेंगे कि ओवरऑल प्राइस का डिफरेंस है या नहीं है। इसके बाद है थर्ड नंबर पे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मेजर्ड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कंपेयर्स हाउ मच अ सिस्टम प्रोड्यूसेस विद द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस इट, के जो उसको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो यूज़ करते हुए उसने कितनी प्रोडक्शन की, उसको कहते हैं प्रोडक्टिविटी, और उसकी सलाहियत कितनी है। देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम इंक्लूडिंग, कि जिससे एक कंट्री की जो इकोनॉमिक सिस्टम है या ग्रोथ सिस्टम है वो इम्पैक्ट होता है, उसमें जो मेन फैक्टर्स हैं उनके उन पर हमने बात करनी है। और नंबर वन उस पर बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब किसी कंट्री दूसरे के साथ हम ट्रेड करते हैं और हर कंट्री दूसरे मुल्कों से ट्रेड करता है, तो हमने देखना होता है कि हम कितनी चीज़ें बाहर भेज रहे हैं और कितनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस हमने देखना होता है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स दैट कंट्री एक्सपोर्ट्स माइनस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, तो ट्रेड सरप्लस कब होता है, ए पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड रिजल्ट्स व्हेन द कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, यानी कि जो सेल हो रही है वो ज़्यादा हैं टू दी कंट्रीज मोर देन इट्स इम्पोर्ट, जितनी वो बाय करता है उससे एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है तो उसको ट्रेड सरप्लस कराएंगे। ट्रेड डेफिसिट कब होता है, इसको उल्टा हो जाएगा, जब आपकी कंट्री की इम्पोर्ट्स बढ़ जाती हैं और एक्सपोर्ट कम होती हैं। तो नेशनल डेट क्या होता है, थर्ड सी नंबर पे अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट ओव्स इट्स क्रेडिटर्स, यानी कि जो क्रेडिट करने वाले हैं, जिन्होंने क्रेडिट दिया था, लोन दिया था कंट्री को या कंट्री की जो बिजनेस के जो एंटिटीज़ हैं उनको, ओवरऑल देखेंगे कि कितने लोगों को ओवरऑल कर्जा देना है, या अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट ओव्स टू इट्स क्रेडिटर्स, जितने भी कर्जे दूसरों को अभी तक वाजिब अदा हैं देने हैं उनको नेशनल डेट कहेंगे, मुल्की कर्जा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आती है, जब कंडीशन इन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आर ग्रोइंग एट अबाउट द सेम रेट, यानी कि सेम रेट के साथ उसकी ग्रोथ में तकरीबन इजाफा होता जा रहा है। फैक्टर्स विच थ्रेटन स्टेबिलिटी इंक्लूड, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो मुतासर होती है, वो फैक्टर्स भी देखने चाहिए। सबसे पहले जो होता है वो इन्फ्लेशन है, अकरेंस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइस इंक्रीज थ्रू आउट एन इकोनॉमिक सिस्टम, जब रिसोर्सेज बढ़ते हैं और कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादा प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, तो जिससे इन्फ्लेशन होती है एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से, और रिसोर्सेज बढ़ने की वजह से हर चीज़ की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है, बाइंग पावर होती है, लोग ज़्यादातर ट्रेंड करते हैं चीज़ें बाय करने, तो डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, तो उससे कीमतें भी बढ़ती हैं। मेजरिंग इन्फ्लेशन क्या है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, द CPI मेजर ऑफ द प्राइस ऑफ टिपिकल प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाई कंज्यूमर लिविंग इन अर्बन एरिया। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्पेक्ट करती है। लेवल ऑफ जॉबलेसनेस अमंग पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क इन एन इकोनॉमिक सिस्टम अनएम्प्लॉयमेंट में भी सिम्टम ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, जब आपकी जॉब्स नहीं होती, लोगों को रोज़गार मुहैया नहीं होता, तो समझिए कि रिसेशनरी पीरियड आने वाला है। इसमें क्या रिसेशन एंड डिप्रेशन, रिसेशन और डिप्रेशन किस कहते हैं, पीरियड ड्यूरिंग विच एग्रीगेट आउटपुट एज मेजर्ड बाई रियल GDP डिक्लाइन, GDP जो होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट ओवरऑल डिक्लाइन होती है, क्योंकि लोगों को रोज़गार नहीं होता, लोग काम जब नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन कहाँ से होगी, सर्विसेज कहाँ से होंगे। जब लोगों को रोज़गार मुहैया होगा तो उनकी वो प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होंगे जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह हैं, और सर्विसेज जो अपने वो काम कर रहे होते हैं रोज़मर्रा के वो भी बढ़ते हैं। इसके बाद है मैनेजिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को मैनेज कैसे किया जा सकता है, ये गवर्नमेंट के पास हथियार कुछ होते हैं, वेपन्स होते हैं, टूल्स होते हैं और फाइनेंशियल, जिनसे वो कंट्रोल कर सकती है इकोनॉमी को। इसमें सबसे पहले जो पॉलिसी होती है वो है फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी दैट डिटरमिन हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स एंड स्पेंड्स इट्स रेवेन्यूज, के टैक्सेस कितने लगाए जा रहे हैं और जो कलेक्ट्स की, कलेक्शन का मतलब है टैक्स कलेक्ट करना, और स्पेंड का मतलब जितने नए प्रोजेक्ट हों फंड रिलीज करना। तो इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ थ्रू टैक्स कलेक्शन कितने बढ़ रहे हैं और एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं, तो इससे कंट्रोल किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, गवर्नमेंट जिसमें टैक्सेस वगैरह या जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल करती है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट डिटरमिन द साइज ऑफ द नेशनल मॉनेटरी सप्लाई, सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, उससे इन्फ्लेशन को एज ए टूल यूज़ किया जाता है।
इसके बाद स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कि गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है या फिर उसको इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है या फिर जो है रिसेशन की तरफ जा रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एम्ब्रेसिंग बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो हथियार होते हैं गवर्नमेंट के पास जिससे वो एक तो जो है मनी उसको मार्केट में छोड़ता है या कंट्रैक्ट करता है वो थ्रू है इंटरेस्ट रेट। दूसरे नंबर पे टैक्स की इम्पोज करना, रेवेन्यूज उससे कलेक्ट करना, टैक्स का कम करना या ज़्यादा करना, इस तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को जिस तरह भी वो मुनासिब समझती है हालात के मुताबिक। हुज गोल्स इज़ टू स्मूथ द फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टू स्टेबलाइज प्राइसेस। तो इसका मकसद ओवरऑल क्या होता है, लोगों को रोज़गार भी मिलता रहे और प्राइसेस भी स्टेबल रहे। इसके बाद चौथे नंबर पे थ्री मेजर फोर्सेस जिसमें द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन विल कंटिन्यू टू एनहांस प्रोडक्टिविटी अक्रॉस ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी मोस्ट नोटेबली इन सच इंफॉर्मेशन डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज एज फाइनेंस मीडिया एंड होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। तो ये ओवरऑल जो जितनी आपकी इंफॉर्मेशन होती हैं मार्केट में अवेलेबल होती हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू ओवरऑल मीडिया, इसके अलावा प्राइसेस वगैरह इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं वो काफ़ी इफेक्ट करती हैं एक इंडस्ट्री को और उसमें डिसीजन मेकर और इन्वेस्टर्स की माइंडसेट को। न्यू टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज इन एरिया सच एज बायो टेक्नोलॉजिकल विल क्रिएट इंटायरली न्यू इंडस्ट्रीज। अब ये कि आपको पता है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें टेक्नोलॉजी तेज़ी के साथ चेंज हो रही होती है तो वो भी एक फोर्स है जो एक इकोनॉमी की ओवरऑल स्टेबलाइजेशन और ओवरऑल फोर्स एक्टिवेट या तो करती है या डीएक्टिवेट करती है। आप इकोनॉमी को उस पेस के साथ लेके चल रहे हैं जिस पेस के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है तो फिर आपकी जीडीपी भी बढ़ेगा। तीसरे नंबर पे कौन सी फोर्स है, इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन विल क्रिएट मच लार्जर मार्केट्स वाइल आल्सो फोर्सिंग टफर कंपटीशन अमंग ग्लोबल बिजनेस। एज अ रिजल्ट कंपनीज विल नीड टू फोकस इवन मोर ऑन इनोवेशन एंड कॉस्ट कटिंग। तो ये एक ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस जो है ये भी आपको एक मौका देती है। अगर आपको एक्सेस इजी हो जाती है और दूसरे कंट्रीज से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो आपको आपके पास गोल्डन चांस होता है कि आपका बिजनेस ट्रेंड ऊपर जाएगा और आपकी जो जीडीपी जीएनपी ओवरऑल बढ़ेगा। ये तीन फोर्सेस थी, एक इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी और उसके बाद हमने बात की ग्लोबल मार्केट तक एक्सेस की। पाँचवें नंबर पर क्या है, प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न के आने वाले पीरियड में गवर्नमेंट क्या चाहती है, ओवरऑल पॉलिसीज़ क्या हैं, मार्केट ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, चैलेंजेस क्या हैं, तो प्रोजेक्ट किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाले वक्त में ट्रेंड कैसा होगा, बिजनेस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिसेशन की तरफ जाएंगी या बढ़ेंगी। देर आर अ नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर द नियर फ्यूचर, सडन चेंजेस इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज वार कैन अल्टर दीज प्रोजेक्शन। जो प्रोजेक्शन ओवरऑल स्टेबिलिटी को नज़र रखते हुए प्रोजेक्ट किया जाता है लेकिन कुछ ऐसे क्राइसिस होते हैं जैसे करोना वायरस का अभी इशूज़ चल रहे हैं और कोई जो है वो डिजीज़ का आउटब्रेक होता है, इसके अलावा कहीं वार हो जाती है तो इन इशूज़ की वजह से भी ये प्रोजेक्शन जो होती है या अंदाजे जो होते हैं वो गलत साबित होते हैं। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपकी ये लेक्चर पेश किया गया था, आप हमारे मुख्तलिफ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।